नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बजट बुल या बेयर, हमारे इस खास बजट कवरेज में आपका बेहद स्वागत है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश करने वाली हैं। सरकार के सामने रोजगार के साथ साथ सेविंग को बढ़ाने की चुनौती है। हर सेक्टर की बजट से अलग अलग मांगे हैं और उम्मीदें हैं। हम आम आदमी को भी बजट से काफी कुछ चाहिए होता है। आज हम इन सब चीजों पर ही बात करेंगे, बताएंगे इस बजट में किसे मिल सकती है सबसे बड़ी सौगात। नमस्कार, मैं हूं रजत। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे। आपको इन सब की उम्मीदों के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी होंगी जिनका ऐलान आज बजट में हो सकता है। जी हां, इस शो के दौरान जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बाजार पर स्ट्रेटजी भी जानेंगे, उनकी पहली रणनीति जानेंगे, साथ ही शेयरों का कोई भी एक्शन आपसे छूटेगा नहीं, यानी कि पूरा एक घंटा होगा एक्शन पैक्ड। लेकिन बजट की खबरों से पहले एक नजर आज ग्लोबल बाजार के सेटअप पर। ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे के चलते कल अमेरिकी बाजार बंद थे, जिसके चलते अमेरिकी बाजार से आज क्यूज नहीं है। लेकिन एसडीएक्स निफ्टी देखिए 11978 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। और अगर क्रूड की बात करें तो सुस्त मांग की आशंका से कच्चे तेल पर दबाव देखने को मिल रहा है। रुपए में शानदार बढ़त के साथ ही क्लोजिंग कल के दौर में होती हुई दिखी। लेकिन तमाम एशियन मार्केट्स एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। एशियन मार्केट्स में मिला जुला कारोबार तो वैसे देखने को मिल ही रहा है, लेकिन हांगकांग के बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए आज के सत्र में हांगकांग के बाजार में भी हल्की बिकवाली है। निक्के यहां पर खरीदारी के स्तर दिखा रहा है, साथ ही शांघाई में लाल निशान के साथ ही कामकाज बनता हुआ दिखा है। लेकिन जी बिजनेस सबसे बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, और सबसे पहले तो हमारी टीम को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं जो इसमें मेरे साथ मौजूद हैं और बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट को लेकर। अनिल जी हमारे साथ इसमें बाजार पर स्ट्रैटेजी देने के लिए मौजूद रहेंगे, साथ साथ पूजा मेरी सहयोगी मौजूद रहेगी, खबरों वाले शेयर्स बताएंगे आपको, और बैंकिंग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं ये बताने के लिए वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देवांशी बताएंगी ब्रोकिंग हाउसेज के रिपोर्ट्स, खासतौर पर हेल्थ केयर सेक्टर पर बजट की क्या उम्मीदें हैं इस पर उनसे बातचीत करेंगे। संदीप बताएंगे ऑटो सेक्टर की उम्मीदें क्या है बजट को लेकर, और कुशल मेरे सहयोगी बताएंगे रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें क्या है बजट से। आशीष बताएंगे फर्टिलाइजर सेक्टर क्या एक्सपेक्टेशंस ये सेक्टर रखता है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स की भी पूरी टीम मौजूद है। समीर मेरे सहयोगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर से जुड़ रहे हैं, उनका पहला बजट है ये, मोदी सरकार 2 का पहला बजट जो है वो निर्मला सीतारमण पेश कर रही है। तो ये तमाम मेरे सहयोगी जो हैं वो इस समय मेरे साथ मौजूद रहेंगे, अनुराग मेरे साथ मौजूद रहेंगे, और जानने की कोशिश होगी कि अब आने वाले समय के लिए एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो सबसे पहले आज जिस तरीके का सेटअप है और जिस तरीके की बात है, तो अनिल जी बस थोड़ी देर में यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बजट और बाजार, यानी कि बजट में एग्जैक्टली बाजार पर ट्रेंड क्या रहता है, पास्ट हिस्ट्री क्या बता रही है, बजट के दिन से एक्सपेक्टेशन की जाए तो क्या की जाए, निफ्टी पे क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बताने के लिए संदीप मेरे सहयोगी इस समय साथ मौजूद है। संदीप बताएं आमतौर पे करेक्शन होती है बजट से पहले या बजट के बाद, या फिर पूरे दिन क्या कुछ एक्सपेक्ट करें, रेंज क्या रह सकती है मार्केट की। देखिए बजट की दिन की अगर आप बात करें तो पिछले अगर आप 5-6 साल की बात करें, खासतौर पर जब से मोदी सरकार बनी है उसके बाद से अगर आप देखिए तो बजट के दिन का जो यूफोरिया है वो मार्केट से कहीं ना कहीं इंट्राडे के लिहाज से तो खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मजबूत सरकार बनी है और वैसे भी डिसीजन लेने के लिए बजट जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं बनती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये उम्मीद करके चलिए रजत की आज एक जो नया लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का वो शायद इंटरडे में लगता हुआ दिख सकता है। 12103 वो लेवल था जो कि 3 जून को निफ्टी ने छुआ था, तो उम्मीद यही है कि इंटरडे में वो जो लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे थे कि इनकम टैक्स पर जो छूट की बात है, अगर आपको अंतरिम बजट याद होगा तो पीयूष गोयल साहब ने वो बजट पेश किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि जो इनकम टैक्स के ऊपर फैसला है ये जुलाई वाले बजट में लिया जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स को लेकर अगर ऐलान आते हैं तो इस बार हो सकता है कि नया लाइफ हाई निफ्टी इंटरडे के दौरान लगा सकता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के लिहाज से देखें कोई बहुत बड़े एक्शन की उम्मीद नहीं है। मेरे पास पिछले 12 साल का डेटा है, और 12 साल में अगर आप देखें 10 साल का डेटा जिसमें 12 बार बजट पेश किया गया, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी थे, उसमें 6 बार बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है और 6 बार अगर आप देखें तो नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट की देखने को मिली है। लेकिन जो मात्रा है नेगेटिव में क्लोजिंग होने की वो अगर आप देखेंगे तो मात्रा आपको ज्यादा नजर आएगी नेगेटिव क्लोजिंग की, बजाय इसके कि जब पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा देखें
तो उसमें अगर आप देखेंगे खासतौर पे जो 2013 के बाद देखिए, 2013 में हमने देखा था -1.8% का रिटर्न आया था, उसके बाद से अगर आप देखें तो लगातार 2014 जब से मोदी सरकार बनी है 0.4%, 0.2%, 0.6%, यही यानी कि आधे से मैक्सिमम 0.5% के आसपास की जो रेंज है, जिसमें इंटरडे के लिहाज से देखा जाए तो मूवमेंट देखने को मिलता है। तो नेट नेट आप ये मान के चलिए कि इंटरडे में अगर कोई बड़ा एक्शन बनता भी है तो एंड ऑफ द डे तक वो एक्शन, वो यूफोरिया दोनों तरफ जारी रहेगा, इसकी उम्मीद काफी कम है। और अंतरिम बजट जो हमने फरवरी में देखा था उस समय भी 0.6% यानी कि आधे परसेंट के आसपास का ही चेंज बाजार में देखने को मिला था। तो इंटरडे के लिहाज से जरूर एक लाइफ टाइम हाई बन सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी क्लोजिंग के लिहाज से आएगी बाजार में, ऐसा आंकड़े नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल, तो रिसर्च से जुड़ी बारीकी हम आपको बता रहे हैं और इसका सीधा अंदाजा इसी तरह से लगाया जा सकता है कि आज कल नहीं 12 साल का डेटा हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आपको बता दें कि आज बजट का दिन है तो भारी उठापटक पूरे दिन के दौरान बाजार में देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए वित्त मंत्री के घर सीधा आपको लिए चलते हैं और वित्त मंत्री के घर के बाहर से अब हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, गुड मॉर्निंग, बताएं वहां पर माहौल कैसा है, बजट से पहले वहां पर क्या कामकाज चल रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर बन रहा है वहां पर? बिल्कुल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, आपको पूरा प्रोसीजर अगर बता दूं तो तकरीबन 8:15-8:30 बजे अपने जो निवास है यहाँ पे 15 सफदरजंग रोड, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से सीधा जाएंगे नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ पे अपने वित्त मंत्रालय पहुँचेंगे और 9 बजे फोटो अपॉर्चुनिटी होगी तमाम और पत्रकारों के लिए। और वो जो रिवायत है जिसमें ब्रीफकेस वित्त मंत्री सामने पेश करते हैं, दिखाते हैं कि अब हम तैयार हैं और बजट पेश करने जा रहे हैं, तो 9 बजे वो अपॉर्चुनिटी, वो एक फोटो सेशन होगा जिसमें वित्त मंत्री और साथ में जो राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर वो मौजूद होंगे और साथ ही वो पूरी बजट की टीम मौजूद होगी जिन्होंने बजट को बनाने के लिए मेहनत करी है। और उसके बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जाएंगे सीधा राष्ट्रपति के पास, वहाँ उनसे परमिशन लेंगे, उनसे उनको सूचित करेंगे कि हम तैयार हैं और अब संसद में बजट को पेश करने के लिए आगे के लिए आप अनुमति दें। और राष्ट्रपति के बाद जो है माना यह जा रहा है कि तकरीबन 10 बजे के आसपास वित्त मंत्री वापस संसद पहुंचेगी, जहां पर बजट को पेश करने से पहले कैबिनेट के सामने एक अंतिम मंजूरी यानी कि जो प्रोसीजर है उसके तहत कैबिनेट के सामने बात रखी जाएगी कि भाई अब हम बजट पेश करने जा रहे हैं, और वहां से अनुमति मिलने के बाद बजट को संसद में पेश किया जाएगा। ये रही पूरी प्रक्रिया के तहत किस तरीके से यहां से वित्त मंत्रालय, उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति, उसके बाद कैबिनेट के सामने और फिर पटल पे इस बजट को पेश किया जाएगा। लेकिन इस बजट पे निगाहें इसलिए भी हैं कि ये मोदी सरकार 2 जो यानी दूसरे कार्यकाल में ये पहला बजट पेश करने जा रही है महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उन पे ज्यादा निगाहें इस बात को होंगी कि वो किस तरीके का बजट पेश करती हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो जो कल इंडिकेशन भी मिल रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यानी कि निवेश बढ़े, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे हो या फिर फॉरेन फ्रंट पे हो, तो निवेश को बढ़ाने के लिए जो है उसके लिए ज्यादा ज्यादा फोकस रखेंगे। और यही वजह है कि सेविंग्स का पैसा वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, उसके लिए जो तमाम सेविंग्स के ऑप्शंस रहते हैं उसमें टैक्स छूट का एक विकल्प हो सकता है जिसको आप हो सकता है कि बजट में देखें। और इस सब के साथ में अगर मैं और सेक्टर्स की बात करूं तो रेलवे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से रोड सेक्टर भी बहुत उम्मीदें लगाए हैं कि अगर वहां से जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की जो आर्थिक मदद होती है उसमें अगर इजाफा होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा और जो पूरा चक्र जिसमें सरकार जॉब क्रिएशन की भी बात कर रही है उसमें भी बड़े पैमाने पर मदद मिल पाएगी। बिल्कुल समीर, लेकिन साथ ही मुझे ये भी बताएं कि लोगों का आना जाना वहां पर शुरू हो चुका है, लोगों का जमावड़ा वहां पर शुरू हुआ है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, सुबह की शुरुआत है तो ज्यादा इस वक्त हलचल नहीं होगी। जो निवास पे अगर मैं बात करूं तो जो भी हलचल यानी कि जो एक्टिविटी अगर आप देखेंगी वो 8 बजे के बाद ही यहाँ पे होगी। हालांकि प्रक्रिया के तहत यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी संख्या वक्त के साथ बढ़ रही है, और जो यानी कि 8 बजे के आसपास यहाँ पे आप मूवमेंट देखेंगे यानी कि जब वित्त मंत्री का निकलना होगा उस वक्त यहाँ पे ज़्यादा हलचल हो जाएगी। लेकिन अभी के वक्त यहाँ पे ज़्यादा ऐसा कोई मूवमेंट या फिर एक्टिविटी आपको नहीं नज़र आएगी। और जो भी आप ये कहें कि वित्त मंत्री हो सकता है बाहर आकर के पत्रकारों से बात करें या फिर एक फोटो अपॉर्चुनिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो 8:30-8 बजे के ही आसपास संभव है। जी चलिए समीर, आपके पास लौटेंगे और आपके ऊपर जिम्मा बहुत है आज।
और सबसे पहले आप अनिल जी के पास चलते हैं, वो हमारे साथ इसमें मौजूद है। अनिल जी नमस्कार सर, स्वागत है। और ये बहुत ही बड़ा दिन है आज बाजार के लिए, जिस दिन का वेट कर रहे थे वो दिन आ गया। उठा पटक तो तय है बाजार में आज होती हुई नजर आएगी। तो पहले तो ये बताएं कि बजट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कि लोक लुभावन बजट होगा या इस बार रियली पॉलिसी रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस करेगी मोदी सरकार। देखिए ये सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो, रजत हेडलाइन तो उन्हें यही चाहिए कि बजट है ना आम आदमी के लिए बना है। हर अखबार के हर टीवी की हेडलाइन यही होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो होंगी जिससे आपको ये लगेगा कि गरीब तबकों के लिए और किसानों के लिए ये बजट बना है, तो वो आएगा ही आएगा। कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी जिनके नाम बड़े अट्रैक्टिव होंगे, पहली बार हमने सुने होंगे, कुछ आकर्षक नाम होंगे और एकदम नीचे के लेवल तक सरकार जाने की कोशिश करेगी, वो हेडलाइन बनेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, बाजार को दो ही चीज़ें देखनी है, एक सरकार का वित्तीय अनुशासन घाटा काबू में है या नहीं, दूसरा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है, वो पॉलिसी रोडमैप क्या है। इस बार का बजट इसलिए ज़्यादा अहम है कि ये बजट सिर्फ एक साल का बजट नहीं है, ये बजट अगले 5 साल का बजट है, क्योंकि सरकार का दूसरा कार्यकाल है और उसका पहला बजट। तो मार्केट इस लिहाज से भी इस बजट को देख रहा है कि अगले 5 सालों को के लिए सरकार की नीति क्या है, तो उस लिहाज से अहमियत वाला होगा। मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि हम कम उम्मीदों के साथ बजट में जाएं बाजार के लिहाज से, और फिर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए वो ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि हम सोचें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ ना सोचें और फिर जो मिले उसे एंजॉय करें। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन पूछना जरूर चाहूंगी, पहली बार यहाँ पर एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि समय जमाना बदल रहा है? हाँ, लंबे समय बाद इंदिरा गांधी ने एक बार पेश किया था, तो एक बार मतलब कई बार पेश किया था, वो पहली थी। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि निर्मला सीतारमण जो पहले कॉमर्स मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उन बजट पर उनकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि सब लोग मानते हैं कि बजट तो मोदी सरकार का है, तो बड़े डिसीजंस जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर की सहमति से होंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस बजट में कुछ न कुछ महिलाओं के लिए विशेष होगा, आपके लिए खुश होने की बात जरूर है, क्योंकि महिला वित्त मंत्री है, पहली बार बजट पेश करे, वो कुछ न कुछ पक्का कहेगी और करेंगी भी। बिल्कुल, और अब सबसे अहम सवाल, आज बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, आपकी पहली रणनीति क्या होगी आज के लिए? देखिए मानसी, दो तरीके से बाजार को देख लीजिए, बजट से पहले और बजट के बाद। पहले बजट से पहले सीमित दायरे में, अमेरिका ने भी कल छुट्टी रखी है, वहां से संकेत कुछ है नहीं। मुझे लगता है 11,900-12,000 निफ्टी की ये ट्रेडिंग रेंज है बजट से पहले, इस रेंज के बाहर निकलेंगे नहीं। 11 बजे जब बजट स्पीच शुरू होगी वित्त मंत्री जी की, उसके बाद पहला आंकड़ा जो काम का होगा बजट में हमारे लिए, वो वित्तीय घाटे का होगा। 3.4% का अनुमान दिया है, अगर 10-20 बेसिस पॉइंट 3.5% 3.6% जैसा कोई आंकड़ा आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कम तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत 10-20 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए तो भी बाजार उसे पचा लेगा। अगर आंकड़ा इस रेंज में रहता है बाजार स्टेबल होगा, उसके बाद धीमे 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 बाजार आगे जो बजट के प्रोविजंस आते हैं उस पर अपना रिएक्शन देगा। लेकिन अल्टीमेटली जब बजट के सेकंड हाफ में या अंत में जाते जाते जो कैपिटल मार्केट्स के लिए ऐलान होते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली है। पहली, क्या कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कोई बदलाव होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो या फिर STT हो, अगर वो कोई बदलाव होते तो बाजार का उस पर तुरंत रिएक्शन आएगा। दूसरा तुरंत रिएक्शन कॉरपोरेट टैक्स में कमी पर आएगा, सिर्फ 400-500 करोड़ तक के टर्नओवर की कंपनियों का टैक्स घटाया जाता है या सबका घटाया जाता है, संभावना कम है, लेकिन अगर वैसा होता है तो उस पर रिएक्शन आएगा। तीसरी खास बात यह है कि ग्रोथ को लेकर और NBFC के क्राइसिस को लेकर, बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन को लेकर, अगर तीन इन चीज़ों पर कोई बड़े ऐलान होते हैं तो वो बाजार को पसंद या नापसंद आ सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें मेरे ख्याल से बाजार के लिहाज से अहम है। तो उसके बाद बड़ी रेंज जो निकल कर आती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 11,750 जब तक ना टूटे तब तक आप मानकर चलें 11,725 निफ्टी पर बेहद अहम सपोर्ट लेवल है। तब जब तक आप इसके ऊपर हैं आप तेजी में हैं, और ऊपरी स्तर पर 12,100 के आसपास आप पहुंच सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई है आपका 12,103 का, ये आपकी रेंज हो सकती है। इस रेंज के बाहर कहीं निकलेंगे तो सोचेंगे कि फिर क्या बड़ा मुंह होता है। लेकिन हाँ, बजट पर आजकल जैसा
आप बता भी रहे थे कल कि दो तीन साल चार साल ऐसे हो गए कि मुश्किल से 1% 1.5% 2% का मूव आता है, ज़्यादा आता नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड करेगा, छोटी रेंज में ट्रेड करके काम हो जाएगा। ये तो निफ्टी है। बैंक निफ्टी के लिए 31,375 31,600 ये छोटी ट्रेडिंग रेंज है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट के पहले पहले होल्ड करेगी, इसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। नीचे की तरफ 31,000 ज़्यादा मजबूत सपोर्ट है बजट के बाद के लिए भी, और जब तक वो नहीं टूटता तब तक चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, और है तो सबसे बड़ा इवेंट बजट ही, लेकिन आज सेक्टर्स पर फोकस रखें। हाँ, सेक्टर्स पर फोकस होगा, स्टॉक्स पर भी होगा, लेकिन मैं एक चीज करना चाहता हूँ कि बजट के प्रोविजंस के बेसिस पर कई सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जहाँ पर बड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा, स्टॉक्स में उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन वो उतार चढ़ाव आपको ट्रेड इस तरह से करना है, स्टॉक्स का उतार चढ़ाव और मार्केट का उतार चढ़ाव दोनों को साथ करके देखना। अगर मार्केट को बजट पसंद नहीं आ रहा है और कोई स्टॉक बहुत तेजी से बजट के प्रोविजंस की वजह से बढ़ रहा है तो वो टिकेगा नहीं, और अगर बजट में कुछ खराब आ गया और मार्केट बहुत अच्छा है तब भी वो स्टॉक रिएक्ट कर जाएगा। तो बहुत सावधानी से आज आपको ट्रेड लेना है, ज़्यादा फोकस बजट को सुनने समझने पर करें, और उसके बावजूद जो ट्रेड करने का तरीका है वो अपना दिमाग लगाने के बजाय बजट कैफे में हमारे 9 मेहमान। मैं भी ये बोलने वाला था कि बजट कैफे में हमारे 9 मेहमान हैं, वो भी दिमाग लगाएंगे तो आप कॉल से जी बिजनेस पे देख पाएंगे। आज वो एक तरह से हमारे जी बिजनेस के जो सारे दर्शक हैं उनके लिए केपीओ हमने खोल रखा है, नॉलेज प्रोसेस करने के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं हम, वहां से आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। रियल टाइम बेसिस पर आपको सारे ट्रेडिंग कॉल्स भी मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी मिलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल एक्सपर्ट भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, और वायदा कारोबार के तो हैं। और अब पहले तो बाजार पे हमने आपको बताया कि क्या रणनीति रखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक्स कौन से फोकस में, ये बताने के लिए पूजा मेरे सहयोगी मेरे को ज्वाइन कर रही है। पूजा, बताएं स्टॉक्स जहां पर खबरों का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जी देखिए, नतीजों का सीजन भी अब चालू हो चुका है और उसमें हर बार की तरह जीएम ब्रेवरीज ने अपने नतीजे घोषित किए, नतीजे कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा गिरा है इस बार 6% और आय में भी ज्यादा कुछ बढ़त नहीं हुई है। यहाँ पर बढ़े हुए इन्वेंट्री लॉस और मटेरियल कॉस्ट की वजह से कंपनी के मार्जिन पर इस बार असर देखा गया है। शोभा पर भी नजर रखिए, कंपनी ने कुल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं जिसमें की मामूली बढ़त देखी गई है 2% की, और जो प्राइस रियलाइजेशन है वहां पर इस बार गिरावट दर्ज हुई है, तो शोभा इसके चलते फोकस में रहेगा। आज जेट एयरवेज पर भी नजर रखिए, इससे जुड़ी भी खबर आई है। जेट एयरवेज मामले की अब SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जांच करेगा, सरकार ने ये जांच के आदेश दे दिए हैं। कंपनी के वित्तीय मामले से जुड़े कुछ जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं, तो जेट एयरवेज फोकस में रहेगा। मारुति पर भी नजर रखिए, CCI ने भी कंपनी को जांच के आदेश दे दिए हैं, और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पर दिए जाने वाले डिस्काउंट की जांच होगी, डीलर की शिकायत पर ये जांच के आदेश दिए गए हैं, तो आज मारुति भी फोकस में रहेगा। इसके चलते KRBL पर भी नजर रखिए, ईडी ने 15 करोड़ की जो संपत्ति थी कंपनी की वो जब्त कर ली है, और पंजाब की जमीन और चावल मिल यहां पर जब्त की गई है, तो KRBL पर आज कुछ असर देखने की उम्मीद है। टाटा स्पॉन्ज भी फोकस में रहेगा, एक अपडेट है यहां पर, उषा मार्टिन से जो खरीदी हुई आयरन और माइन से कामकाज शुरू कर दिया गया है कंपनी ने, और इस साल अप्रैल में जो माइन खरीदा गया था उस पर ये कामकाज शुरू हो गया है, तो एक अपडेट टाटा स्पॉन्ज से जुड़ा हुआ। हिंडाल्को पर भी नजर रखिए, यूरोप ने हिंडाल्को के एलएडएस खरीदने की योजना पर आपत्ति जताई है, और नोविलिस ने कल ये स्टेटमेंट दिया था वहां पर, और उनका कहना है कि ग्राहकों के लिए कम विकल्प और एल्युमिनियम शीट्स की कीमत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, इसके चलते ये आपत्ति जताई गई है। DHFL भी फोकस में रहेगा, एक और डिफॉल्ट यहां पर कंपनी की तरफ से, NCD के ब्याज भुगतान पर करीब 4 करोड़ का डिफॉल्ट कंपनी ने किया है, तो आज DHFL पर एक रिएक्शन देखने की उम्मीद है। GMR इंफ्रा और अदानी पावर भी फोकस में रहेगा, GMR छत्तीसगढ़ एनर्जी में पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए करार कर लिया, यहां अदानी पावर करीब 47% हिस्सेदारी खरीदेगी। आखिर में एक फंड एक्शन पर भी बात कर लेते हैं, एवरेडी इंडस्ट्रीज, येस बैंक ने करीब 9.4% गिरवी रखी जो हिस्सेदारी थी वो अपने नाम कर ली है, तो एवरेडीज भी फोकस में रहेगी। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया। तो ढेर सारे शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर भी शेयर्स हैं, और ये शेयर्स हमें बताने के लिए जुड़ गई हमारे रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आश्रम। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस आज कहां पर दाव लगाएंगे? गुड मॉर्निंग मानसी, आज सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेरिको से, जहां पर सिटी की आज पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई दिखी, खरीदारी की राय है और जो लक्ष्य दे रहे वो 415 तक का दे रहे हैं। वो मानते हैं जिस तरह से पहली तिमाही में नतीजे आते हुए दिख सकते हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं, और जैसे भी डेटा आते हुए दिखे थे कंज्यूमर साइड पर, इस बार वॉल्यूम पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन इसके बावजूद खरीदारी की राय 415 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। सिटी की शोभा पर रिपोर्ट
रिपोर्ट है। यहाँ पे भी खरीदारी की राह है, 625 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। कल सुबह ने अपने जो यहाँ पे बिक्री के आंकड़े हैं वो जाहिर किए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो सिटी है वो पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। मानते हैं कि जो रियलाइजेशन है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, जो कीमतें हैं पर स्क्वायर फीट वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखी है। पेट्रोनेट एलएनजी पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है, उन्होंने लक्ष्य 15 रुपये से बढ़ा दिया है। मानते पहली तिमाही काफ़ी स्थिर रहने का ही अनुमान है और थोड़ी सी बढ़त का अनुमान कर रहे हैं। और आखिर में ओपरा रियल्टी पर HSBC की रिपोर्ट है, जहाँ पे होल्ड उन्होंने अपने जो रेटिंग है वो घटा दिए, होल्ड कर दिए और लक्ष्य 630 तक के दे रहे हैं। मानते कि जो फंड्स उन्होंने पिछले साल तक जुटाए हैं वो अभी तक उन्होंने यूटिलाइज नहीं किए, वो किस तरह से यहाँ पे खर्च करते हैं इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और नहीं खर्च करने पर उन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। चलिए, तो तमाम ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स आपके सामने पेश की गई, लेकिन अब बाजार पर रणनीति क्या रखी है उसको बताने के लिए सिम्बी भौमिक जी हमारे साथ मौजूद है। सिम्बी जी नमस्कार, स्वागत है, बड़ा दिन है बाजार के लिए। पहले तो ये बताएं, निफ्टी और निफ्टी बैंक को अगर ट्रेड करना हो आज तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लोजली वॉच करने चाहिए मैम? गुड मॉर्निंग रजत, मुझे लगता है कि आज बजट है और मार्केट का जो रेंज है वो आज बढ़ जाएगा। आज 100-150 पॉइंट का रेंज में मार्केट काम नहीं करेगा, मतलब निफ्टी में 100-150 पॉइंट का रेंज नहीं होगा। निफ्टी में रहा सवाल निफ्टी के, तो मैं ये कहूंगी कि निफ्टी में 11900 का लेवल एक अहम सपोर्ट होगा। जब तक निफ्टी उस लेवल को होल्ड करेगा तब तक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखेंगे, और मुझे लगता है कि अगर बजट अच्छा होता है तो निफ्टी आज हो सकता है एक बार 12,000-12,050 के आसपास भी जा सकता है। तो इनिशियली तो ऐसा ही स्ट्रेटेजी रखेंगे कि 11900 के आसपास खरीदना, 890 या 880 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीद के वेट करना, और नॉर्मल मोमेंटम में 11970 तक जा सकता है। बजट अच्छा होता है, मतलब मार्केट को पसंद होता है, तो 12,000 से 12,050 भी जा सकता है। पर अगर किसी भी कारण से 11900 का लेवल टूट गया, मतलब बजट के बाद भी हो सकता है, बजट से पहले अगर हुआ तब तो मुश्किल है, बजट के बाद भी होगा अगर 11900 का लेवल टूटा तो 100 पॉइंट का करेक्शन नीचे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल 11800 से 12,050 इस रेंज के बीच में निफ्टी मेंटेन करेगा, पर क्लोजिंग करीब मुझे नहीं लगता है कि बहुत वीक क्लोजिंग होगा या बहुत साइड में क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग करीब फ्लैट ही होना चाहिए, पर वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक 31400 का एक सपोर्ट है, जब तक होल्ड करेगा तब तक खरीदारी करने का सलाह होगा। 31300 के नीचे स्टॉप लगा के 31650 से 750 तक भी बैंक निफ्टी का रैली में पॉसिबल है अपसाइड में, पर किसी भी कारण से अगर 31300 जहाँ पे मैंने स्टॉप दिया था बाई कॉल का वो लेवल अगर टूट गया तो नीचे भी 31200-31100 का लेवल खुला हो जाएगा, जहाँ पे बैंक निफ्टी आके सपोर्ट ले सकता है। तो ओवरऑल जो मेरा बड़ा रेंज है वो 31100 से 31750, इस 600-650 पॉइंट का रेंज में बैंक निफ्टी भी आज ट्रेड कर सकता है। बजट है इसलिए वॉलेटिलिटी सोच के इतना बड़ा रेंज मैंने दिया है। ठीक है, इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही खरीदारी की राय सिमी की तरफ से, लेकिन सिमी आपका पसंदीदा स्टॉक आज के लिए कौन सा होगा? मंथली दो स्टॉक मेरे नजर पर होगा, एक तो खरीदारी करने के लिए स्टेट बैंक को मैंने चूज किया है, स्टेट बैंक में अच्छा खरीदारी देखने को मिलना चाहिए, 367-366 के आसपास खरीदने का सलाह है, 64 या 63 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 370-373 ये दो टारगेट होगा अपसाइड में। और एक बैंकिंग में ही एक बैंक बहुत वीक होके कल बंद किया था, येस बैंक, 97-98 के आसपास मिलते ही सेल करके खेलना पड़ेगा, 100 से 101 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स होगा 93 से 91। वॉलेटिलिटी दोनों तरफ ही हो सकता है, इसलिए एक बाय कॉल और एक सेल कॉल मेरे तरफ से। SBI पे बाय कॉल, येस बैंक सेल कॉल और येस बैंक पे सेल कॉल। बहुत शुक्रिया सिमी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रणनीति बताने के लिए, लेकिन कॉमोडिटी मार्केट का रुख करना भी जरूरी है और वो बताने के लिए स्ट्रेटजी एंजल कॉमोडिटी से अनुज गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी नमस्कार, स्वागत है, बताएं रणनीति सोने पे सबसे पहले। गुड मॉर्निंग, देखिए गोल्ड में कल भी हमने गिरावट आते हुए देखी थी और एक प्रॉफिट बुकिंग रही थी, तो मेरा लगता है कि गोल्ड के अंदर आज भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो गोल्ड के अंदर बिकवाली कर सकते हैं करीबन 34,300 के आसपास, स्टॉप लॉस 34,550 का रहेगा, टारगेट करीबन 34,000 तक हो सकता है। बेस मेटल्स पे कोई कॉमोडिटी जिसपे फोकस कर रहे हैं आज? देखिए बेस मेटल में हमने कॉपर में रिकवरी आते हुए देखी थी, हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर रिकवर हो सकता है, तो कॉपर के अंदर बाय करके चल सकते हैं करीबन 437 के आसपास, स्टॉप लॉस 433 का रहेगा, टारगेट 445 तक हो सकता है। रुपए में 68.50 की क्लोजिंग है, रणनीति बताएं आज के लिए बेहद खास दिन करेंसी मार्केट के लिए। देखिए कल काफी एप्रिशिएट हुआ था, हमें लगता है कि आज भी एप्रिशिएशन रहेगा, हालांकि बजट है तो बजट में मान के चल रहे हैं कि कुछ अपडेट्स आ सकते हैं, तो उससे इंडियन रुपी स्ट्रांग हो सकता है।
कल इकोनॉमिक रिव्यू की हमने रिपोर्ट देखी है तो वो भी पॉजिटिव रही, तो मेरा इंडियन रुपया अभी और अप्रिशिएट हो सकता है, नीचे टारगेट करीबन 68.30 68.20 तक हो सकता है। बिल्कुल अनुज, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो सोने में करनी है बिकवाली, कॉपर में करें खरीदारी और साथ ही करेंसी के लिए आज का दिन बेहद अहम है।